everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो हम रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं और जिसमें हम सीरीज़ कॉम्पिटिशन की क्लास कर रहे हैं और आपका जो क्लास नंबर है आज वो आज आपका 64 क्लास नंबर है. ऑलरेडी हम 63 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने सीरीज़ कॉम्पिटिशन के ही 90 क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं. सो यू हैव टू गो थ्रू विथ ऑल दैट क्लासेस. एंड अभी हमने एनालॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हमने एनालॉजी की जो यू नो एनालॉजी है तो उसमें हमने 250 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं. एंड अगर हम उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक था वो क्लासिफिकेशन का था उसमें हमने 150 से 200 के बीच में क्वेश्चंस किए हैं. एंड अभी जो हम सीरीज़ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं ये आपका थर्ड टॉपिक है जिसमें हम अभी 90th क्वेश्चन कर चुके हैं. ठीक है, तो अभी हम 91 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे आज से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप हमने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू विद एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, नॉलेजेबल लगता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें. आज जो स्टार्ट करेंगे हम वो 91th क्वेश्चन से करेंगे. तो हियर वी आर गोना स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 91, दैट इज एफ, दिस इज़ अ सीरीज. इसमें हमें मिसिंग सीरीज का यू नो एलिमेंट फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं एफ एल पी, एंड सेकेंड इज़ योर आई एन एस, एंड थर्ड इज़ योर एल पी वी, एंड द फोर्थ यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन. एंड दिस इज आस्क इन योर SSC क्वेश्चन पेपर. स्टार्टिंग विद द ऑप्शंस दैट यू हैव इज ऑप्शन ए इज़ योर यू एक्स जेड, बी इज ओ आर वाई, सी इज़ वी एक्स वाई, एंड डी इज एस वी डब्ल्यू. सो हियर यू कैन स्टार्ट विद यू नो द क्वेश्चन. इफ यू आर एबल टू आंसर यू कैन ऑल्सो आंसर, बट इफ़ यू आर नॉट सो आई विल बी हेयर फॉर यू एज आई सेट इन ऑल ऑफ द क्लासेस. सो स्टार्ट करते हैं इसके लिए. देखो इसमें जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है, द ईच टर्म आर मूव्ड 3 स्टेप फॉरवर्ड. इसमें हर एक जो फर्स्ट टर्म है, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो चाहे थर्ड टर्म हो, फर्स्ट टर्म हो चाहे थर्ड टर्म हो, चाहे फर्स्ट टर्म हो और चाहे थर्ड टर्म हो, ये दोनों ही जो टर्म है आपके वो आपके मूव कर रहे हैं फर्दर. ईच टर्म जो है वो 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं और जो सेकेंड टर्म है वो आपका 2 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर रहा है. तो उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग हम लेंगे नेक्स्ट नंबर. ये वाला जो है वो 2 स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है, ये 3 स्टेप, ये भी 3 स्टेप, 3 3 3 3 3, मतलब 3 2 3 का पेयरिंग बन रहा है. अब देखते हैं एफ है, तो एफ से अगर हम जाएंगे आगे तो एफ है जी एच आई, जी एच छोड़ के आई पे आ गया. एंड ऐसे डी की बात करें तो डी के बाद आप देख सकते हो, ये सॉरी एल के बाद अगर मैं बात करूँ, एल के बाद एम, एम छोड़ के एन पे पहुंच गया. एंड पी की बात करें तो क्यू आर छोड़ के एस पे पहुंच गया. तो इन अकॉर्डिंग्स ऑफ दैट अगर आई की बात करें तो जे के छोड़ के एल पे पहुंच गया, एन है जो वो ओ छोड़ के पी पे पहुंच गया, एंड जो एस है वो आपका टी यू छोड़ के वी पे पहुंच गया. अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 3 लेवल पे, तो एल के बाद अगर हम एम एन छोड़ेंगे तो दैट इज़ ओ मिलेगा हमें, एंड अगर हम पी की बात करें तो पी में हम क्यू छोड़ेंगे हमें आर मिलना चाहिए, एंड अगर हम वी की बात करें तो वी के बाद डब्ल्यू एक्स छोड़ेंगे देन वी विल गेटिंग वाई. तो इसका मतलब ओ आर वाई हमारा आंसर होगा. अब ओ आर वाई देखते हैं हमारे ऑप्शन में है, या वी हैव एन ऑप्शन इन ओ आर वाई एंड दैट विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट मूविंग ऑन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 92, दैट इज़ ये स्मॉल में सारी सीरीज दी हुई है तो स्मॉल में ही हमें आंसर फाइंड आउट करने पड़ेगा, गो थ्रू विद दैट. अगर इसमें कोई भी बीच में भी कैपिटल या कहीं भी होता कॉर्नर्स में तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. तो जिस हिसाब से हमें सीरीज मिलेगी हम उसी हिसाब से ही उसको मूविंग फॉरवर्ड करेंगे. अब इसकी बात करें अगर हम एस एच जी एंड देन आर आई एफ क्यू जे ई पी के डी एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, दिस इज आस्क्ड इन योर असिस्टेंट ग्रेड क्वेश्चन पेपर. एंड द ऑप्शंस यू हैव इज ओ एल ई एन एल बी ओ एल सी एन एम ई. सो हियर यू कैन सी दैट द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म ऑफ द ईच आर मूविंग द 1 स्टेप बैकवर्ड. फर्स्ट और थर्ड टर्म की अगर हम बात करें तो इसमें हम सब एक एक स्टेप फॉरवर्ड के जगह पे बैकवर्ड जा रहे हैं. ओके, अगर हम इनकी बात करें और अगर हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो उन इन दैट केस जो हमारा जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड लेटर जो है वो 1 स्टेप आगे बढ़ रहा है कि अगला हमारा कर्स एच है तो आई है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 1 और 1 का चल रहा है. यहाँ पे ये एक स्टेप माइनस जा रहा है बैकवर्ड और ये एक प्लस में जा रहा है. इट मीन्स माइनस वन प्लस वन माइनस वन देन माइनस वन प्लस वन
देन माइनस वन, इस तरह से सीरीज जा रहा है। तो अगर उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देख लो यहाँ पे एस है तो एस से पहले आर आता है, तो पी क्यू आर आर है फिर एस आता है, ठीक है। तो ये बैकवर्ड जा रहा है, एच है तो एच के बाद आई आता है इसलिए प्लस में जा रहा है, एंड जी है तो एफ के बाद जी आता है तो इसलिए भी माइनस में जा रहा है। तो अकॉर्डिंग ये भी हमारा सेम फॉलो कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो पी है, पी से पहले क्या आता है, ओ पी क्यू एम एन ओ पी क्यू, तो ओ आता है, इसका मतलब पहला लेटर तो मेरा ओ होगा। अब के, के के बाद क्या आता है, जे के एल, एल आता है तो एल होगा, एंड देन डी, डी से एक पहले सी होता है। ओ एल सी शुड बी द आंसर, एंड ओ एल सी क्या हमारे यहाँ पे है, या हमारे ऑप्शन में ओ एल सी है, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 93, दैट यू हैव अ सीरीज इज एल एक्स एफ एम टी जे एन पी यू ओ एल आर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मैंने ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है, एंड ये बैंक व्यू के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन यू हैव इज पी के एक्स पी जे डब्ल्यू पी आई यू एंड पी एच वी। अब इसमें देखते हैं, अगर इसमें हम देखें तो फर्स्ट लेटर जो है हर एक टर्म का वो एक स्टेप आगे जा रहा है, सेकेंड लेटर जो है वो आपका फोर स्टेप बैकवर्ड जा रहा है। इसका मतलब इसमें प्लस वन हो रहा है, इसमें माइनस वन हो रहा है, और अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो वो फोर स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे प्लस फोर जा रहा है। अगर यहाँ पे प्लस साइन अगर दिख रहा है आपको तो आप समझ जाओ हम प्लस में फॉरवर्ड में जा रहे हैं, और माइनस है तो हम उसमें बैकवर्ड में जा रहे हैं। तो इन अकॉर्डिंग ऑफ दैट एल है तो एम आया, ठीक है, तो एम के अभी यहाँ माइनस में गया, एक्स है तो टी गया। इसी ऐसे ही सेम केस यहाँ पे प्लस वन माइनस फोर प्लस फोर होगा, ऐसे ही सेम केस यहाँ पे प्लस वन माइनस फोर प्लस फोर, सेम फॉर दिस प्लस वन माइनस फोर प्लस फोर। तो अब इसी के अकॉर्डिंग चले, ओ है तो ओ से पहले क्या आता है, एम एन ओ, इट मीन्स पहला लेटर मेरा एन होगा, उसके बाद आता है सॉरी प्लस वन जा रहे हैं तो नहीं एन नहीं होगा, ओ है तो पी होगा, पहला लेटर पी होगा, माइनस में है फोर, तो मतलब एल है तो एल से पहले जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा वो किसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, दैट विल बी कि अगर एल से हम पीछे चलेंगे तो ओ हमारा होगा ओ एम एन, एंड देन वी हैव दैट जी आई आई जे के एल एम एन, तो इट मीन्स हमारा जो लेटर होगा वो एच होगा। एंड देन अगर हम आर की बात करें, प्लस फॉरवर्ड आगे मूव करेंगे तो हमारा है आर है एस टी यू, देन वी विल बी गेटिंग द वी, तो पी एच वी हमारा आंसर होगा। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, हमारे ऑप्शन में है या वी हैव द ऑप्शन, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट सीरीज दैट वी हैव फ्रॉम द 94th क्वेश्चन, एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 94th क्वेश्चन, हियर वी गोना स्टार्ट विद। So the 94th question is MHZ, then NIW, OKT and PNQ, और ये BSRB के question paper में पूछा गया। The option you have is QRN, RRN, QRM and QQN. तो ये हम इसके according अगर हम बात करें, so here you can see that the first letter of the term are the consecutive letters, so they are the consecutive, that M, N, O and P, इसका मतलब है जो ये सारे हैं ये लगातार आपके कंसेक्यूटिव हैं, ओके। सो क्यू पी ओ पी क्यू होगा, इसका मतलब है नेक्स्ट जो टर्म होगा हमारा वो क्यू होगा। तो इसके अकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो क्यू में हम ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास एक दो तीन ऑप्शन है, इसका मतलब इन तीनों में से ही कोई एक आंसर हमारा होने वाला है। एंड अगर हम थर्ड लेटर की बात करें तो जो हमारा एक हर एक है वो थ्री स्टेप्स बैकवर्ड जा रहा है, और सॉरी सेकेंड टर्म जो हमारा है एंड थर्ड है वो सक्सेसिव टर्म है। तो बेसिकली जेड है, जेड के बाद हमारा ये एच है, आई है, फिर के है, एंड देन डेट इज एन, तो इट्स मूव फॉर द जी एच आई एंड देन जे एंड देन के। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो पूरा सीरीज हमें मिलेगा वो हमारा क्यू है, फिर नेक्स्ट टर्म हमारा आर होगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट टी है, फिर क्यू है, डब्ल्यू की क्यू है, तो बैकवर्ड में जा रहा है। और इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो जेड है, फिर मतलब वाई स्किप किया, एक्स स्किप किया, एंड देन डब्ल्यू हो गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट मूविंग ऑन टू है, तो क्यू के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्यू दैट इज पी एंड ओ, तो इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो एन होगा, क्योंकि पी ओ हम स्किप करेंगे दो लेटर, तो हमें ये मिलेगा। तो क्यू आर एन हमारे ऑप्शन में है, या वी हैव एन दैट ऑप्शन, एंड दैट विल द राइट आंसर। नेक्स्ट मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 95, दैट यू हैव इज ए बी वी ए ए बी सी सी बी ए। तो जैसा कि देख रहे हो ए बी है तो ए बी का जस्ट रिवर्स हो गया, मतलब मैं ये इधर पोजीशन ले लिया, इसने ये वाली पोजीशन ले लिया, सेम फॉर दिस ए बी सी था तो फिर वो रिवर्स हो गया इन ऑर्डर टू सी बी ए हो गया। अब यहाँ ए बी सी डी है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको भी दिख रहा होगा ये डी सी बी ए होना चाहिए, एंड वी हैव एन दैट ऑप्शन डी डी सी बी ए
DCBA, yeah, we have that option and that will be the right answer. ये BSIB के question paper में पूछा गया था. Next, moving on with the next question, that is question number 96, that is 3F6G I11 18L, and this one you have to find out. So ये आपके SBI PO के question paper में पूछा गया. The option you have is 210 21 0 25 9 N and 27 P 27 Q. तो इसके सीक्वेंस के हिसाब से नंबर एंड अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन है आपका ये, तो उसके हिसाब से हमें अकॉर्डिंगली बात करनी होगी एंड उसके हिसाब से ही हमको इसका आंसर देना पड़ेगा विद रेफरेंस टू दैट ओनली. सो इधर देख सकते हैं हम कि क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है, दैट इज़ द लेटर ऑफ द टर्म द फर्स्ट एंड द सेकेंड एंड द थर्ड द फोर्थ लेटर द रिस्पेक्टिवली दे मूव यू नो फर्दर टू एंड थ्री मोर देन एंड देन प्लस 5 + 3 + 7 + 9 उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा जो नंबर है वो चल रहा है, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस हम चलेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं. तो हियर यू कैन सी दैट 3 में 3 प्लस किया तो हमें 6 मिल गया, फिर देन हमने 6 में क्या प्लस किया दैट वी हैव गेटिंग यू नो 11 एंड देन वी मूविंग और यहाँ पे प्लस 7 किया एंड देन 3 था तो फिर मैंने यहाँ पे 6 में 5 प्लस किया मुझे 11 मिल गया, मतलब ऑड नंबर का सीक्वेंस चला है. देन 18 में हमको प्लस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 9 प्लस करना पड़ेगा एंड देन वी गेटिंग द नेक्स्ट नंबर दैट विल बी 18 में 9 प्लस करेंगे एंड दैट इज़ योर 27. सो हियर वी कैन सी दैट 27 में ये दो ऑप्शन है, ओके इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा इसका मतलब है. अब नेक्स्ट मूविंग ऑन एफ है जी एफ जी कंटिन्यूस में है, एच छोड़ के आई है एंड देन जे के छोड़ के एल है, इसका एम एन ओ छोड़ के पी होना चाहिए. तो ये वी हैव इन दैट ऑप्शन दैट इज मीन्स 27P, तो हमारा ये आंसर होगा. ठीक है, तो स्किपिंग की बात है, यहाँ पे कंटिन्यूस में है, देन वी हैव लीविंग 1 then 2 then 3 एंड देन मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर योर 97 दैट इज K M 5 1 P 8 G S 11 E V sorry I P 8 and then E V 14 and then you have to find out this one and this is asked in your BSRB question paper. And the option you have is BY 17 CY 18 CZ 17 and CY 17. So here in that in the BSRB question paper, then they are asking the combination of the alphabet and the number as well. So you can see that in accordance of the first letter of the term of the move, two step backward and the second letter of the move, the three steps forward in to obtain the corresponding letter of the next term. And the number in the each term will be the three more than that of the preceding term. So here you can see that if I'm asking the plus 5 ki number ki agar hum baat karte hain, to now number ki baat kare 5 mein 3 plus kiya mujhe 8 mil gaya, 8 mein bhi maine 3 plus kiya mujhe 11 mil gaya, 11 में भी 3 प्लस किया मुझे 14 मिल गया, 14 में भी 3 प्लस करेंगे तो मुझे मतलब नंबर 17 मिलेगा. अब देख लेते हैं 17 यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है. 17 हमारे यहाँ तीनों के केस में सिर्फ येस में नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, बाकी तीनों में से कोई भी हो सकता है. सो हियर वी गोना सी दैट के बाद यहाँ पे प्रिसीडिंग चल रहा है, जी है, फिर उसके बाद ई है. अब यहाँ पे एस की बात करें तो एस में आगे फॉरवर्ड मोशन में चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जो हमें नेक्स्ट नंबर मिलने वाला है ई के रिस्पेक्ट में, तो उसमें हमें मिलेगा डी और सी. इसका मतलब है हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हमारा सी होगा, क्योंकि फर्स्ट जो टर्म होगा तो सी हमारा देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा. अब जो सेकेंड अल्फाबेट है उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो वी है, तो वी के बाद डब्ल्यू छोड़ के एक्स छोड़ के वाई होगा, इसका मतलब सी वाई 17 हमारा आंसर हो गया एंड दैट विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज जे टू जेड एंड देन वी हैव अ के 4 X 17 V sorry I 7 V एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस टर्म. सो इन एच 16 R एंड एम 22 P. तो हियर यू कैन सी दैट जे के है, फिर यू नो के बाद एल एम छोड़ के ये हमारा 1 आ गया, मतलब I आ गया. तो इन अकॉर्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन सो वी हैव टू गो थ्रू विद बैंक एज अकॉर्डिंग ऑफ बैंक पी ओ दैट दे आर आस्किंग फॉर. सो बैंक पी ओ के क्वेश्चन पेपर में भी थोड़ा बहुत ट्रिकी आ भी जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत नहीं भी आता. इट ओनली डिपेंड्स कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, किस तरह से नहीं कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना पड़ता है. तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो द फर्स्ट टर्म ऑफ द ऑड नंबर टर्म्ड एज अ सीरीज ऑफ यू नो जे आई एच एज इवन नंबर ऑफ यू नो having a KLM. So in according of that plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 the consecutive number, then the third term we have an asking for that thing. So we are getting here
the in which here we can get that you know if now talking about I, so J K chhodke that we have get L, and then after talking about 7 7, that is 8 9 10 11. So here we are adding 4 2 to 4, then here we are adding 2, then they are adding a 4, and then according to that we are adding next moving on with, that is 11. And after, if I'm talking about V, the V V is going reverse in the motion, and then we're getting the T here. So L 11 T will be the right answer, and here we can get, yeah, here it is. So this is your right answer. Next moving on with next question that we have is the question number 99, and this 99 question we have is a 225. Yeah, you can see that 2z5 7 4 7 14 7 y, this is was similar now, so 7 y 7 14 x 9 23 w 11 3 you know 34 v 13. And then this ask in your BSRB question paper, and then you have to find out the term which is beyond after that. And here you can see the option 27 u 24 47 u 15 45 u 15, and then you have 47 v 15 14. So here in the BSRB question paper that you have to tell me what will be the answer in according of you know the pattern which are which we are using, the first letter and the number of the followers, that the sequence of +5 +7 +9, as you can see that. Okay, so here we can see that +5 in according of this, +5 +7, then plus, you know, moving on with further that tricks, and after that I'm talking about next term that will be you know z y x in the reverse order we are moving, z y x w, then we getting v, then we get the u. So you can see that here, and in accordance of that, that it will be the right next one is 47 u 15. So here we have an option that, and yeah, that will be the right answer. Next, moving on with next question that we have is 100th question, and that is a C4X and then F9U, and then we moving with next, moving on with next, that is your 11C6R, and that is asking you MBA question paper, and the option you have is K25P L25P L250 and then L27P. So here you can see that in that case here that would ask in your MBA question paper. So in that case you can see that the first letter of the each of the term is moved 3 step forward, and the last letter is moved 3 step backward to obtain the corresponding letters in the next term. So the number form, if we am saying the 2 square 3 square 4 square 5 square, so in according of 2 square, this is your 3 square, this is your 4 square, and then you will be getting the 5 square, and that means the 5 square means that is 25. So here we're getting a 25, and if I'm talking about C, then you will be getting the C D E chhodke F mila G H chhodke, then we're getting the I1 and J K chhodke, then we're getting the L. So it means L 25 we are getting, to L 25 to mil gaya, and then X hai, U hai, fir R hai. R ke baad jo hamara next term aane wala hai, that will be in the reverse order, and that will be the O. That means L 25 O we are getting, and then we have an option that, yeah, that will be the right answer. Moving on with next question, and the last question for the session is, that is 101, that is G4 T J 10 R and M20 P P43 N and S90 L, and this is asking your bank copy your question paper, and the option you have is P43 N M20 P and G4 T and then T J 10 R. So here you can see that in that particular question, in the bank PO question paper which we they are asking. So in that case you can see the first letter of the each of the term is moved 3 step forward, and the last letter that is moved backward motion, they are to moving the 2 step backward to obtain the corresponding letter of the next term, and the number follows. You can see that the plus, that multiply by 2, and then +1, then multiply by 2, then +2, then +3, then it means it was multiply by 2 and then +1, multiply by 2, then +2, and that will correspond to that only. So in accordance of with respect to that, we are going through with the number, and that what we get is
you can see that here, you can see that 4 multiply by 2 plus 1, that will be the 10. So in accordance of the 10, that will be the wrong answer that here we are moving with. So instead of this, we are getting J10R. So that will be the right answer. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give your suggestion on a comment box. Thank you.